जय हिंद साथियों। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कैंडिडेट यूपी पुलिस एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपका कितने पाली में एग्जाम होगा, आपका एग्जाम टाइमिंग क्या होगा और आपका एडमिट कार्ड किस दिन वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और आप आसानी से इसकी ऑफिशियल साइट पर जो है यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ ऑफिशियल साइट है, देखिए भाई ऑफिशियल नोटिस है, इसको आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ देख सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ पर बताया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो बोर्ड है उसके रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है लिखित परीक्षा से रिलेटेड, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है OMR सीट पर होने वाला है, कितने पाली में होने वाला है, आपका एग्ज़ाम डेट पूरा यहाँ पूरा क्लियर करके बताया गया है, आपकी टाइमिंग क्या से क्या होगी, आपको सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है, सारा कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। बाकी आपके एडमिट कार्ड में सारा कुछ उसमें अपडेट दिया रहेगा। तो आप एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करोगे तो इसकी ऑफिशियल साइट पे किस डेट को आएगा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा और आपको कैसे डाउनलोड करना है आज की इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा भाई। तो चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाला है, दो पालियों में एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर बताया गया है प्रथम पाली और द्वितीय पाली, और प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 बजे से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा जो 12 बजे से चलने वाला है। आपका जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, 120 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रथम पाली और सेकेंड पाली दोनों में चलने वाला है। जो सेकेंड पाली की टाइमिंग है वो 3 बजे से 5 बजे तक है, जो सेकेंड मतलब द्वितीय पाली की जो है टाइमिंग है वो 3:30 से 5 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है, आप आसानी से देख सकते हो। सेम प्रोसेस 18 को भी रहेगा, 18 फरवरी को, जो 18 फरवरी संडे को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी दो पालियों में एग्ज़ाम होने वाला है, और सेकंड पाली की जो टाइमिंग होगी भाई ना वो 3:00 से 5:00 तक आपकी टाइमिंग होने वाली है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो OMR सीट के बेस्ट पे होने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर अपना OMR सीट भरना कैसे भरना है इस पूरी जानकारी को आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, जिससे कि आपको कोई गलती ना हो एग्ज़ाम में जाने के बाद, आप आसानी से अपना OMR सीट भर सको। तो यहाँ दोनों पालियों में एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 को, यहाँ आसानी से आप देख सकते हो, इसी से रिलेटेड नोटिस जारी किया गया है। और अब आपको हम दिखाते हैं कि आपका परीक्षा केंद्र कितना बनाया गया है। यहाँ पर एक पेपर की कटिंग में बताया गया है, पेपर में बताया गया है जिसकी कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। सिपाही भर्ती यहाँ पर बताया गया है जिसमें आपका परीक्षा केंद्र जो होने वाला है 23, यहाँ पर बताया गया है 2377, और जो टोटल कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं वो 48,17,441 कैंडिडेट जो है परीक्षा में बैठने वाले हैं, यहाँ पर पूरा बताया गया है। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दो दिन में 4 पालियों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट पाली में जो 2-4 पाली होने वाली है तो उसमें एक पाली में जो है 12 लाख स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम लिखित परीक्षा देंगे। तो यहाँ बताया गया है, भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्र को भी अपडेट कर दिया गया है, सारा कुछ नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है। 75 जिले में आपका जो है सेंटर बनाया जाएगा, जो भी आपको जिस भी स्टेट या जिस भी आप ज़िले से बिलोंग करते हैं, हो सके कि आपका होम सेंटर आपके ही ज़िले में मिल जाए या कहीं दूसरे ज़िले में भेज सकता है, अभी तक इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। तो एडमिट कार्ड यहाँ पर बताया गया है, लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड यहाँ बताया गया है, लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड 10 फरवरी को जारी किया जाएगा, यहाँ एक नोटिस में जारी किया गया है। यहाँ बताया गया है भर्ती बोर्ड जो है आपका एडमिट कार्ड जो है लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड जो है 10 फरवरी को जारी किया जा सकता है, जिसे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जो है आसानी से भर्ती बोर्ड जो इसकी यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट है वहां से आप इसका एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाओगे 10 फरवरी तक।